यह है रोड के हाल। अब ये रोड है, नदी है, समुंदर बन गया, भगवान जाने क्या बन गया है? ऐसे बहुत ही हाल है। हम लोगों ने ना रास्ता चेंज कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम आ रहे थे देहरादून से वापस अमृतसर की ओर, और हम यहाँ कहीं अंबाला के पीछे रुके हुए हैं। और गाइस, यहाँ पानी की बाढ़ आई हुई है रास्ते में, ये देखो। मेरा मूड था नहीं वैसे आज ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने कहा ये आपको दिखा दूं। अब ये रोड है, एक रोड चंडीगढ़ में जाती है, एक रोड जाती है नीचे अंबाला की ओर। अब हमने जाना है अंबाला वाले रास्ते से, जो है फ्लाईओवर के नीचे से। और ऐसी एक पैच पीछे भी आया था जहाँ पर बहुत भयंकर पानी भरा हुआ था रोड में। एक बार वहाँ देखा, वो देख कितना पानी आ रहा है, वो देख, वहाँ देखो ऊपर वाले रोड पे देखो गाइस। गाइस बहुत भयंकर पानी हो रखा है, बहुत भयंकर। अब यहाँ से निकलेंगे कैसे ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलो चलो चलो। पूरा पानी से भर गया, देखो सामने। ये हमीदपुर करके है ना कोई जगह, हमीदपुर। अरे ये सारे पुर भर गए हैं आज, पता नहीं कौन कौन से पुर। बीच में भी एक दो पैच आए थे, वहाँ भी ऐसे ही था। और एक सील बेल्ट लगा लूं, यहाँ देखना ऊपर, ये ऊपर साइड देखो। ओ भाई, ओफ ओफ ओफ, देखो देखो देखो, ये देखो गाइस। अबे रुक जा, देखो देखो। गाइस देखो इतना पानी भरा हुआ है, पसीना पसीना हो गया मैं तो। है बाप रे बाप, सर ऐसा पहली बार देखा है, ऐसा तो पहले कभी तो नहीं हुआ था। है क्या है ये? क्या हो रखा है ये? ऐसा वैसे नदी के बीच से जा रहे हैं ये, रोड तो टूटी है नीचे, नीचे की रोड भी तो टूटी है सारी। बाप रे, यहाँ पे तो बहुत है यार।
गाइस अभी हम पहुंचे हैं पंचकुला से लगभग 30 या 20 किलोमीटर पहले। एक्चुअली में हमको एक डिटूर लेना पड़ा क्योंकि अम्बाला में बता रहे हैं सब पानी वानी भरा हुआ है, तो हमने अम्बाला से ये पंचकुला चंडीगढ़ वाला रास्ता चूज किया हुआ है। अभी देखो आगे कैसा रहता है, लेट्स होप ये सही रहेगा। ये एक्चुअली ले जाएगा हमको पंचकुला देन चंडीगढ़ एंड देन रूपनगर और फिर अम्बाला, सॉरी जलंधर होते हुए देन अमृतसर। एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पे गाड़ी में मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, खट 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 की आवाज़ आ रही है, पता नहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है आवाज़ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मैं चला रहा हूँ स्पीड में खट 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 की आवाज़ आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, अभी अभी आ रही है। चलो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 बजने वाले और 11 आज भी बज जाएंगे लग रहा है, टाइम लग जाएगा। एक्चुअली हम 1 घंटा हम पीछे हो जाएंगे ये इस वाले रूट को चूज़ करके। फिलहाल तो मौसम ठीक है, आज धूप है यहाँ पे और बारिश की ऐसी कोई संभावना नज़र भी नहीं आ रही, आसमान साफ है, बादल खूबसूरत लग रहे हैं। अब लेट्स सी आगे क्या रहता है। हम लोगों अरे हम लोगों ने ना रास्ता चेंज कर दिया। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं जलंधर, पहुंचने वाले हैं। बहुत लंबा हमारा सफर हो गया आज। एक्चुअली हमको चंडीगढ़ से घूमते हुए आना पड़ा, पहले पंचकुला फिर चंडीगढ़ फिर रूपनगर फिर नवांशहर उसके जाके फिर जलंधर फगवाड़ा फिर जलंधर। तो लगभग 45 किलोमीटर का हमारा सफ़र जो है ना वो एक्स्ट्रा हो चुका है और लगभग पिछले 10 घंटे से हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी। और शीशे में आप देख सकते हो ये सारे जो धब्बे हैं ये हैं कीड़ों के खून, ये जो कीड़े मर रहे हैं हवा में ये सब टकरा रहे हैं विंडशील्ड पे और खून बिखर जा रहे हैं इनके, अब इसकी सफाई करनी पड़ेगी। तो गाइस बच गए हैं 10 रात के और हम जलंधर से आगे निकल चुके हैं, अमृतसर है यहाँ से 70 किलोमीटर। जर्नी है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, अब आएगा तब आएगा, आने को दे ही नहीं रहा भाई अमृतसर है। तो गाइस हम अभी पहुंचने वाले हैं अमृतसर और जो 4,570 टोल हमने दिए उनमें से 4,570 गाइस यहां पर मेरा फ़ोन हो गया था डेड और इसके बाद लगभग 1:30 या 1 बजे हम अमृतसर पहुंचे और मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि मैं फ़ोन को दोबारा से ऑन करके और अपना ब्लॉग एंड कर सकूं। सो गाइस यहीं पर मैं वॉइस ओवर के ज़रिए अपना ब्लॉग एंड करता हूं। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, फैमिली और फ्रेंड्स में प्यार बांटिए। बाय बाय।